Hello everyone. Today we will discuss about some question. Okay, breathing and gaseous exchange ka kuch question ko aap solve karte hain. Ye aapka 2015 NEET mein pucha hai. Kya puch raha hai question mein? When you hold your breath, which of the following gas change in blood would first lead to the urge to breathe? पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं क्या बोल, ठीक है? ये बोल रहा है कि जब हम क्या अपने ब्रीथ को होल्ड करते हैं, मतलब रोकते हैं, ठीक है, होल्ड करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड में गैस एक्सचेंज होता है, जो कौन से, मतलब कौन से गैस एक्सचेंज होता है ब्लड में जो कि ब्रीथ के लिए अर्थ करता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जब हम ऑक्सीजन, जब हम ब्रीथ को रोकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीजन क्या आपका हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये होता क्या है, जब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगा पे इंक्रीज होगा जब हम ब्रीथ को होल्ड करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन में हमारा, देखो ब्रेन का तीन पार्ट होता है, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है। तो हिंड ब्रेन में बेटा क्या होता है, हिंड ब्रेन में आपका मेडुला, मेडुला ऑब्लॉन्ग गाटा होता है, ठीक है, क्या होता है, हिंड ब्रेन, ठीक है, जो कि सिग्नल भेजता है। वो क्या करते हैं, ये की वजह से क्या होता है, ये बोलता है जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका इंक्रीज हो गया, ठीक, इस गैस को ब्रीथ के लिए ये अर्ज कर देता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है कि फॉलोइंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ये फर्स्ट गैस कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि होल्ड करने पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका इंक्रीज हो रहा, तो ये आपका रॉन्ग होगा। सेकेंड, राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, राइजिंग हो रहा है ना, मीन्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थर्ड दिया है फॉलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत, ठीक है, डिक्रीज की बात कर रहा है, एंड राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉलिंग ऑक्सीजन, ये भी ठीक है, रॉन्ग है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, सेकेंड है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है, ये आपका बोल रहा है कि ये आपका 2014 में नीट के एग्जाम में ये पूछा है कि अप्रोक्सीमेटली 70% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाई ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, मतलब 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है किसमें, ब्लड के द्वारा, और वो किस फॉर्म में, लंग्स में ट्रांसपोर्टेड होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो 70% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेड होता है, और ऑप्शन बी में भी आपका दिया है, फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया है बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब ये कैसे होगा ये हम जान लेते हैं। सपोज देखो हमारे ब्लड में वाटर तो होता ही है, होता है ना, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या करता है, हाइड्रोजन वाटर से रिएक्शन करता है, ठीक है, ठीक, वाटर से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, ये बनाता है आपको, और किस एंजाइम के, कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम के प्रेजेंट में ये आपका क्या फॉर्म बनाता है, बाई कार्बो नहीं, कार्बोनिक एसिड बनाता है, क्या बनाता है, H2CO3, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, होता है अनस्टेबल होता है, ठीक, अनस्टेबल होता है, तो एक तो अनस्टेबल होता है आपका, तो ये क्या, इसका जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, ठीक है, क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक। तो ये क्या करता है, CO3 किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये बाइकार्बन, यहाँ पर ये किस फॉर्म में, कार्बोनिक में, ठीक है, यहाँ पर किस फॉर्म में हो जा रहा है, ये
बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट यहाँ पे आपका कार्बोनिक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, 70% लंग्स में ट्रांसपोर्ट होता है, और कुछ जो बचा रहता है वो क्या है आपका, देखो सेकंड में क्या पूछा है, डिजॉल्व गैस मॉलिक्यूल। ये ब्लड में आपका प्लाज्मा भी होता है, प्लाज्मा में ये क्या होता है, 7% ये डिजॉल्व होता है गैस फॉर्म, ठीक है। अब ये बाय बाइंडिंग टू आरबीसी दिए है, ठीक। ये क्या होता है, ये आपका कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में बाइंडिंग होता है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन रॉन्ग और थर्ड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोला है, कार्बन, ये क्या होता है आपका 23% फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करके क्या बनाता है आपका क्या बनाएगा, कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन क्या होगा, HBCO2। तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट बाय कार्बोनेट आयन। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कि ये फिगर दिया है, सबसे पहले आप फिगर देखो, फिगर दिया है, बोल रहा है कि द फिगर शो अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, विद द लेवल ABCD, ये लेवल ABCD के फॉर्म में दिखा रहा है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्रेकिया, फर्स्ट क्या दिया है ट्रेकिया, ठीक। तो ये ट्रेकिया तो है ये, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेज रिंग फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। अब देखो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ट्रेकिया में जो ये रिंग होता है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होता है, क्या होता है, इनकंप्लीट होता है, इनकंप्लीट, ठीक है, इनकंप्लीट होता है, और सी शेप में होता है, किस शेप में होता है, सी शेप में होता है, सी शेप में होता है, ठीक है। और ये किस कार्टिलेज से बना रहता है, हाइलिन कार्टिलेज से, किससे, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट की बात किया, ठीक, और यहाँ पे इंस्पायर्ड के साथ साथ एक्सपायर्ड का भी होता है, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट हो रहा है और ये कार्टिलेज आपका क्या होता है, इनकम्प्लीट फॉर्म में होता है, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि जो पुलर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है, सराउंडेड रिब ऑन द बोथ साइड टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग। देखो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, बी जो दिया है आपका पुलर मेम्ब्रेन जो दिया है, ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि देखो पुलर मेम्ब्रेन बेटा आपका क्या होता है, टू पार्ट इसका होता है, ठीक है, टू पार्ट होता है, एक इनर होता है और दूसरा आउटर, जो होता है वो क्या, जो आउटर होता है वो पुलर मेम्ब्रेन होता है, ये आपका क्या चेस्ट से अटैच होता है, ठीक, और इनर जो होता है वो किससे अटैच होता है, ये आपका लंग्स से अटैच होता है, ठीक। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हुआ, ठीक है। अब देखो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सी एल्वोलाई थिन वॉल्ड वैस्कुलर वे लाइक स्ट्रक्चर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखो यहाँ पे सी दिया है, ठीक है, ये हाँ देखो ये छोटा छोटा अंगूर जैसे गुच्छे जैसे रहता है, उसको एल्वोलाई बोलते हैं, जो कि वहीं पे मेन गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ठीक है, वहीं पे मेन एक्सचेंज होता है, और ये थिन वॉल होता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। डी बोल रहा है लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ये डी का भी क्या दिया है कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन तो आपने यहाँ पे देख ही लिया, ठीक है। तो
यहाँ पर ये लोअर एंड ऑफ द लंग्स डायफ्राम का पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ये भी क्या आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, ये आपका 2012 में प्री में AIPMT में पूछा था, ठीक है। चलो पहले नीट नहीं होता था, पहले AIPMT होता था, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है आपका, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन। फर्स्ट दिया है सिगरेट स्मोकिंग मे लीड टू इंफ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी, ठीक है। देखो बेटा सिगरेट की बात कर रहा है, तो जाहिर बात है सिगरेट पीने से भाई हमारे लंग्स तो खराब हो गए, साथ में उसके अंदर जो भी ब्रोंकी ट्रेकिया ब्रोंकी ब्रोंकियोल्स एल्वोलाई ये सारा डैमेज हो, तो यहाँ पर सिगरेट की बात करी। तो जहां पर सिगरेट की बात होती है वो तो आपको कौन सा डिजीज इससे होता है, ठीक है। और सेकंड देखते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड बोल रहा है न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूरोटॉक्सिक सेंटर इन पोन रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। ये इंक्रीज नहीं करेगा बेटा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब जाहिर बात है जो न्यूरल सिग्नल जो है न्यूरोटॉक्सिक सेंटर जो फोन का रीजन का होगा वहां पर वो ब्रेन को क्या करेगा, वो जो आपका इंस्पिरेशन है इंस्पिरेशन वो क्या हो जाएगा, जाहिर बात है डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, ये भी रॉन्ग है, ठीक। थर्ड ऑप्शन पूछ रहा है वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। अब लंग फाइब्रोसिस में क्या होता है, अब देखो जो वर्कर है, ठीक, जो स्टोन को ब्रेक कर रहे हैं तोड़ रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री जो होता है तो वो क्या करते हैं, बहुत से एयर जो होता है उनके लंग्स में जो जाता है तो वो उनकी ब्रोंकी एल्वोलाई सबको क्या करता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। तो उसको ही हम लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं, ठीक। जब आपका ब्रोंकी एल्वोलाई ये सब डैमेज हो जाएगा किसकी वजह से, जो भी एयर आप अंदर जाएगा, ये स्टोन ब्रेक कर रहे हो तो जो भी एयर आपके अंदर गया वो स्मोक लगातार वो क्या हो, डस्ट क्या होता जा रहा है, वो बैठते जा रहा है आपके लंग्स में, तो आपका वो लंग्स क्या हो जाएगा, डैमेज होगा। तो लंग्स फाइब्रोसिस इसको बोलेंगे, यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। देखो अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन इज कार्बिनो हीमोग्लोबिन। देखो